आप सभी फिजिक्स के टेस्ट पर डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का संरक्षण कौन से प्रमेय, यानी आपको कौन से समस्या प्रमेय आधारित आपका आवेश आंख में जो आता है, दिमाग में जो आउट करती क्या करती आई आपके आग में। पहला पॉइंट बॉस का क्या है रूल, बॉस नियम के आधार पर जो आपका आवेश होता है वो तो वास्तविकता में फ्लक्स के तैयार है, लेकिन फ्लक्स के पर्टिकुलर कुल आवेश करता है आपका आवेश। बाकी तीन थ्योरम, गेज थ्योरम जो है वो क्या कहती है, अगर हम किसी बदल देते हैं, अगर किसी परिवर्तन के सापेक्ष तो आपके लैंग्वेज अपना लैंग्वेज थ्योरम्स हैं वो अपना रूप नहीं बदलते। सचिन कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है, सचिन वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो जा रही है। पर एज प्रम बदलने का वैल्यू अपरिवर्तित रहता है, तो ये आपका ऑप्शन भी यहाँ मैक्सवेल की प्रम जो है वो ये एक्सप्लेन, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप क्या एल लेंथ का साथ में क्या आपका होल्ड किया में आपका कारण पॉइंट आपका परिवर्तन आएगा जितना आपका रहेगा, या फिर मैं नॉर्डन थ्योरम जो करती है इंटीग्रेशन चार्ज जो है वो आपका रिप्रेजेंट है लैंग्वेज। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, आवेश का क्या किया जा रहा है, समाकलन किया जाता है, आवेश का समाकलन जो परिवर्तन रहता है। नॉर्डन थ्योरम वापस क्या है, आवेश आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बंद अवयवी पावे क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बंद अवयव पाइप में थोड़ा सा करेक्ट है, क्लोज्ड ऑर्गन, ये अवयव ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन जो पाइप है आपका जो मौलिक स्वर की आवृत्ति है आवृत्तियों का स्वर उत्सर्जित कौन क्या होती है। ऑर्गन पाइप एक अरेंजमेंट साउंड प्रोड्यूस कर, राम राम प्रमोद राम राम, पे साउंड प्रोड्यूस करता है और ये सिस्टम जो है वो तो तरीके का होता है आपका ओपन पाइप एक आपकी क्लोज पाइप। हम बात करें पाइप की, क्लोज पाइप का मतलब ये पाइप का एक हिस्सा क्या होता है बंद हो, क्या कहें क्लोज ऑर्गन पाइप, पाइप के अंदर जो है तरीके का जो अरेंजमेंट पाइप को पाइप की बात करूं अरेंजमेंट खुले हुए होंगे आवर्ती पाइप, यहाँ पे ये ऑर्गन पाइप कैसे
अरेंजमेंट। बच्चों जो आपके ऑर्गन पाइप है उससे साउंड प्रोड्यूस यानी जो बीट प्रोड्यूस आपका उत्पन्न होता है वो दो तरीके का होता है, एक आपका नादी और एक होता है नादी। यहाँ पर इसकी सनादी का मतलब क्या है यानी हाई बीट आपका ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल विषम, और नादी के लिए आपका इवन मल्टीपल। यहाँ से देखिए अगर आप फ्रिक्वेंसी फॉलो आउट करेंगे आपकी पाइप है वो एल लेंथ तक जो आपका लैम्डा बाई फोर तरंग दैर्ध्य अगर तरंग का उत्पन्न हो रहा है आप कंपेयर करके निकालोगे नादी के लिए आपकी एक स्वर है पंक्ति का कारण क्या है यानी 1:7 इस अनुपात की वो आपकी तरंग होती है। यहाँ पर देखिए आपकी आवृत्ति कितनी आपकी क्या होगी उसका 3 गुना होगा 1/5। अगर मैं बात करूं तो यानी वो क्या होगी आपको 50 हर्ट्ज डन, सेकंड आपकी कितनी 150 हर्ट्ज और थर्ड 250 पर भी 100 आया क्या, क्या कहीं पर भी सम आया क्या, नहीं आपका नहीं होगा। बच्चों क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत जो है वो हम प्रयोग, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो हमारे दिमाग में जो सब आते हैं फैराडे अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपकी दो कुंडलियां बनी हुई फैराडे का फर्स्ट तो आपकी प्रेरण कुंडली है, एक जो आपकी कुंडली है साथ में क्या किया साथ में जब ऑरेस्टेड की क्या कर सकते धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र यानी हम क्या बना सकते आप करंट को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड को क्या 23 देखिए आपका आंसर ए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि फैराडे ने ये बताया कि अगर धारा के द्वारा चुंबक बना सकते बना सकते फैराडे ने मैग्नेट साथ में एक्सपेरिमेंट कॉइल के साथ में और इन्होंने यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करंट करंट यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट किया उसे हम कहते हैं कि यही एक्सपेरिमेंट कॉइल्स के साथ में किया कॉइल उन्होंने क्या कर रखा बैटरी से क्या हो रहा था धारा का प्रवाह है हो रहा था उसमें क्या हो रहा था करंट आपकी फ्लो हो रही थी। अगर करंट आपकी फ्लो ये तो करंट और यहां से इस करंट के कारण चारों तरफ आपका क्या कारण इसके क्या इंड्यूस आपकी जनरेट होगी। अब ये जो कारण है वो दो स्वप्रेरण और एक होता है आपका पारस्परिक आपका सेल्फ इंडक्टेंस और एक आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर हम एक कॉइल की हेल्प से जिस करते हैं वो आपका कहलाता है स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस और जब दो कॉइलों को परस्पर आगे और स्थानांतरित अगर हम करवाते हैं और जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कॉइल में घुमाव की संख्या वृद्धि करने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बढ़ेगी घटेगी या फिर पहले बढ़ते बात करते हैं कॉइल आप लोग को बिल्कुल मैं आपको आप कर देख देखिए बताइए क्या होगा इसका आंसर बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न कॉइल द स्पीड ऑफ मैग्नेटिक
भी हम कॉइल में क्या बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न, चक्रों की संख्या, फेरों की संख्या अगर बढ़ाते हैं, पता होना चाहिए आपको, पता है पावर जो वो आपका डिपेंड है किसके ऊपर, वर्क डन रेट के ऊपर, या फिर मैं आपका किस वोल्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वोल्ट के ऊपर, या फिर मैं एम एफ डिपेंड करते हैं एम एफ। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी प्रेरण कुंडली है उसमें क्या किया जाए, आपके समाधान किया जा रहा है, जो वॉइस ब्रेक हो रही है समाधान ढूंढा जा रहा है, समय इंतजार आपकी वॉइस यहां से देखिए, यहां पर आपकी डायरेक्टली होता है। अगर हम बात करें की बात करूं, आपका कौन सा बालवीर, क्या होता है आपका ईएमएफ बालवीर होता है, और बालवीर यहाँ पर वायर के प्रोपोर्शन, अगर बालवीर जो ईएमएफ है वो क्या होगा, अगर एन बढ़ने के साथ में पड़ता है दैट मीन आपका शक्ति बढ़ता है। वेरी गुड, आप बहुत जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे ईएमएफ जो है वो भी पढ़ने की शक्ति जो है क्या, वो भी क्या होती है, पड़ती है, या फिर मैं तो मैग्नेट आपका टेस्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, आदर्श खुद क्या होता है। देखिए बच्चों, वोल्ट मीटर बेसिक वोल्टेज आपका है, को मापने की शर्त है, शर्त ये वहां पर आपका क्या हाई होना चाहिए, को मापने के लिए रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिरोध अगर आपका उच्च होगा तो वोल्टेज इजीली मेजर की जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, एक बच्चा कह रहा है मैम डी, वेरी गुड, देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या आंसर निकल के आता है। सेकंड बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ किसकी, एमीटर की, अगर मैं धारा मापी की अगर बात करूँ तो एमीटर जो है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, इससे हम करंट को मेजर करते हैं, धारा को मापते हैं, और इस स्थिति में आपका धारा मापने के लिए रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐड कर दिया, आदर्श वोल्ट मीटर, अगर वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान उच्च होना चाहिए, अगर हम बात करें आदर्श की तो उसके लिए उच्चतम होना चाहिए, और उच्चतम सीमा जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। तो आदर्श वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। और अगर मैं कहूँ आदर्श एमीटर अगर आपका दे रखा है तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, जीरो होता है। बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो कह रहा है निम्नलिखित से कौन सी भौतिक मात्रा युग्म में समान आयामी सूत्र नहीं है, यानी आपको ये बताना है। यहाँ पर आपका वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बच्चों, यहाँ पर जो है आपका कौन सा पेयर है जिसका डाइमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है। देखिए बच्चों, कमेंट में अपना आंसर बताइए कि आपके वॉइस प्रॉब्लम जो है वो क्लियर आउट हुई। देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो भौतिकी के कौन से पेयर हैं, आपको इन पेयर्स को चेक करना है। अब वन बाय वन हम बात करें, सबसे पहले दे रखा है कार्य, कार्य क्या होता है आपका, वर्क। यहाँ से देखिए W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है क्या, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम टू पावर वन, एल टू पावर वन, टी टू पावर माइनस वन, और साथ में मल्टीप्लाई एल टू पावर वन, और इसको आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एम टू पावर वन, एल टू पावर टू और टी टू पावर माइनस टू। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कार्य का डाइमेंशनल फॉर्मूला हो गया, डन। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, अभी सही आवाज आ रही है, चलिए बच्चों बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए आपका है बल आघूर्ण, कल भी हमने इस टेस्ट जो सीट थी लास्ट वाली उसमें भी जिक्र किया था बल आघूर्ण, तो वास्तविकता में क्या होता है, दरवाजे का
खोलना। तो अब यहां से अगर हम देखें तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या मैं कहूं लंबवत दूरी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला और वर्क का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। द डिफरेंस इज वर्क के केस में हम यूज करते हैं क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उस सिचुएशन में आपका यहां पर भी डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल टू पावर टू और टी टू पावर माइनस टू ही आपका बनता है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है ऑप्शन बी में आपका दे रखा है क्या, ऊर्जा। अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा क्या है, जो वर्क हो रहा है उस वर्क को कंप्लीट करवाने के लिए जो कंज्यूम की जा रही है वही तो एनर्जी है। तो वर्क और आपका जो एनर्जी है उन दोनों का तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही होता है, दोनों का आपका विम्य सूत्र एक समान ही होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के भी क्या है, इक्वल है, और इन दोनों के किसके इक्वल है, बलाघून के भी इक्वल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके, तनाव की और पृष्ठ तनाव की। तो देखिए बच्चों, तनाव की जब हम बात करते हैं तो तनाव का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर टेंशन। टेंशन क्या है, एक फोर्स है। बच्चे आंसर दे रहे हैं, नीतीश राणा बोल रहे हैं ऑप्शन ए। देखिए बच्चों, देखते हैं ऑप्शन ए करेक्ट होता है, बी होता है, सी होता है या डी होता है। अगर मैं बात करूं टेंशन की, तनाव बल की, तो तनाव बल वास्तविकता में क्या है, फोर्स ही है, बल ही है। तो यहाँ पर अगर ये बल ही होगा तो इसकी डायमेंशन भी किसके बराबर होगी, बल के बराबर होगी। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है वो है आपका पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव क्या होता है, किसी भी द्रव के ऊपर लगा हुआ खिंचाव, उसी को क्या कहते हैं, हम पृष्ठीय तनाव। तो सरफेस टेंशन जो है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, एकांक लंबाई पर लगाया गया बल जो कि द्रव के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा, एम टू पावर वन एल टू पावर जीरो टी टू पावर माइनस टू। तो यहाँ पे देखिए, एक का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के बराबर है और दूसरा फोर्स से बिल्कुल अलग है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन और देख लीजिए, आवेग और रेखीय संवेग। आवेग और रेखीय संवेग की अगर बात करें, आवेग इंपल्स, कल भी बताया था क्या होता है इंपल्स, मम्मी का चाटा, और मम्मी का चाटा क्या कहता है, एफ डॉट डेल टी, और ये किसके बराबर होता है, डेल पी के बराबर होता है। यानी मैं कहूँ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आई इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका, वो होता है इंपल्स के बराबर। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रमोद जी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डन बच्चों, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27, ये यहाँ पर कह रहा है प्रोटोन का द्रव्यमान आपको दे रखा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है, और यहाँ पे एक पार्टिकल दे रखा है 90 ZR, और उसका द्रव्यमान आपको दे रखा है। यहाँ से आपको ये बताना है कि इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, बंधन ऊर्जा कितनी होगी। दिया आप लोगों को समय, फटाफट फिगर आउट कीजिए क्या होगा बंधन ऊर्जा। और यहाँ पे आपके पास जो समय शुरू होता है, अभी आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर निकालिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी आपकी होती है, बंधन ऊर्जा जो है वो आपकी होती है किसके बराबर, डेल एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर, या फिर मैं कहूँ डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य। जहाँ पर डेल एम जो है वो आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर डेल एम आपको ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर द्रव्यमान में कितनी क्षति हुई है, यहाँ पर द्रव्यमान में कितनी क्षति हुई है, यानी द्रव्यमान कितना परिवर्तित हो गया। द्रव्यमान की जो क्षति होती है वो आपको क्या बता रही होती है, एक होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी परमाणु का या किसी भी पदार्थ का या फिर किसी भी आपके
क्या कहते हैं इसे हिंदी में, जेड आर को क्या कहोगे, कोई भी परमाणु। इसके लिए जो है आपका, एक होगा वास्तविक द्रव्यमान और एक होगा आपका गणना द्वारा ज्ञात द्रव्यमान। अब जेड आर जो है ये होता है 40 ZR 90। इसके लिए जो कैलकुलेटेड मास है वो हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो एक्चुअल मास है वो यहाँ पर आपको गिवन है। इसके लिए जो है द्रव्यमान, वो द्रव्यमान कितना है इसके लिए आपका, ये है 89.9047। अब इसका मास हम कैलकुलेट करते हैं, जो आपका कैलकुलेटेड मास है उससे उसका रियल मास कितना कम होता है, वो ये होता है आपका क्या, डेल एम। अब हम फटाफट इसके लिए कैलकुलेटेड मास करते हैं, यहाँ से डेल एम का वैल्यू निकालते हैं। देखिए बच्चों, डेल एम इज इक्वल टू क्या होगा आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 40। कितने प्रोटॉन्स हैं, 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 गुणा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.0078 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 90 माइनस 40 कितनी हो गई, 50 गुणा एक न्यूट्रॉन का कितना है, 1.0087। ये आपका कैलकुलेटेड मास है माइनस जो इसका एक्चुअल मास गिवन है। एक्चुअल मास कितना गिवन है, 89.9 समथिंग करके कुछ गिवन है। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए फटाफट, और कैलकुलेशन जो कहती है वो क्या कहती है, 0। यहाँ से देखिए आपका जो इसका आंसर आता है वो आता है 40.3120 प्लस सेकेंड का। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड का कैलकुलेट करने पे यहाँ पे आपका आंसर होगा 0 57 35 3 58 40 40 और 3 43। यहाँ से आपका 4, ये हो गया आपका 0 और ये आ गया आपका 5। ये कितना आ गया, 50.43 समथिंग। माइनस यहाँ पे आपका कितना दे रखा है, 89.9047। देखिए बच्चों, इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका जो ऐड होके मिलेगा, देखिए 40 प्लस 50 कितना हो गया आपका, 90। कितना हो गया, 90। और डेसिमल के बाद में आप ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 2 कितना हो गया आपका, 7। यहाँ से देखिए 1 और 3 कितना हो गया, 4। 4 और 3 आपका कितना हो गया यहाँ से, 7। तो इसका आंसर जो आ रहा है 90.747 माइनस, अभी कंप्लीट आंसर नहीं है, अभी तो हमने क्या किया, द्रव्यमान कैलकुलेट किया है, माइनस 89 पॉइंट कितना दे रखा है, 904 समथिंग। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए यहाँ से 3 4, यहाँ से एलसीएम लिया 17 माइनस 9 8 पॉइंट, यहाँ से आप सॉल्व आउट करोगे 89 89, ये कितना रह गया, 0। ठीक है, 89 माइनस 89, तो ये आपका ऑलमोस्ट कितना आ गया, 0.843। अब देखिए बच्चों, आपका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, मल्टीप्लाई बाई 938, तो मल्टीप्लाई बाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका कितना, 784। क्यों, यहाँ से देखिए 78 जा कितना है, 78 जा ओ सॉरी 98 जा कितना होता है आपका, 72। यानी ऑलमोस्ट क्या होगा, 700 की रेंज में होगा, और 700 की रेंज में हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 784.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो इसकी यूनिट है वो गलत लिखी हुई है, ये है आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा वॉट नहीं होती है, मेगा वॉट नहीं मेजर करते हैं किसको, यहाँ पर बंधन ऊर्जा को। जहाँ तक लगता है आप सभी को क्लियर होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इसका जो द्रव्यमान में क्षति हुई, द्रव्यमान में जो परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे मास डीके जो है वो कैलकुलेट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका दे रखा है एक चार्ज गोलाकार कंडक्टर की क्षमता, एक चार्ज स्फेयर कंडक्टर है और उसका पोटेंशियल दे रखा है आपको कितना, 6 वोल्ट एंड इट्स रेडियस इज 2 मीटर, और आपको ये दे रखा है इसका जो V है वो कितना है, 6 वोल्ट, और इसकी रेडियस जो दे रखी है वो कितनी है, 2 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट्स सेंटर, देखिए बच्चों, हाँ वेरी गुड सचिन, 798 के समथिंग कुछ आ रहा है, तो हम राउंड फिगर में इसको क्या ले लेंगे, 798 पॉइंट समथिंग ले लेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है आपका क्या होगा, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्फेयर है उस स्फेयर के लिए रेडियस दे रखी है 2 मीटर और उसके ऊपर पोटेंशियल है 6 वोल्ट का, और आपको क्या बताना है, इसके लिए
विद्युत क्षेत्र बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना है इसके लिए फिगर आउट करना है। देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र अगर आप निकालने बैठोगे तो सबसे पहली चीज, जो आपका आवेशित गोला होता है उस गोले के ऊपर आवेश जो होते हैं सदैव कहाँ वितरित हो जाते हैं, उसकी सतहों के ऊपर वितरित हो जाते हैं। तो केंद्र के अंदर जो आवेश होते हैं वो सदैव क्या होते हैं आपके, शून्य होते हैं। तो यहाँ पर वी तो आपका हो सकता है, वी तो यहाँ पर आपका हो सकता है, यानी विभव तो आपका होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो ई है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वी क्या है, किया गया कार्य है, उसको किसी बिंदु से उठा करके वहां तक लाने में किया गया कार्य है, लेकिन जो ई है वो तो सिंपली आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, यानी ये तो क्या डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर निर्भर करता है। ये अगर अंदर चार्ज जीरो है तो उस स्थिति में आपका विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, उस स्थिति में शून्य होगा। तो इसका आंसर होगा जीरो ए। यहाँ से देखिए कुछ बच्चे आंसर दे रखे हैं इसके लिए, 12 न्यूटन × कूलॉम इनवर्स। देखिए बच्चों, इस स्थिति में क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा स्टेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज करना पड़ता है। एग्जामिनर ने नंबर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। यहाँ पर सिंपली हम ई और वी का अगर रिलेशन हम यहाँ पर निकालते हैं तो सिंपली हमें पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर होता है क्या। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप रखोगे यहाँ पे 6/2 रखोगे और बच्चे निकाल देंगे इसका 3 आंसर निकाल देंगे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपका स्फीयर है वो अंदर से चार्ज नहीं होता, उसके अंदर आवेश नहीं होते, आवेश शून्य है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का काम ब्लैंक पर आधारित है, के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या हो रहा होता है, लाइट रेज जो होती है या फिर जो भी सिग्नल रेज होती है वो इस तरीके से जाती है, इस तरीके से वापस आती रहती है टकरा करके, और ये जो फिनामिना होता है जिसके अंदर एनर्जी भी क्या नहीं होती, आपकी लूज नहीं होती, और ये जो फिनामिना है उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं इसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जब भी हम किसी आने वाली किरण को ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करवाएं कि वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, उसी माध्यम में आ जाए, यानी वो परावर्तित ही हो जाए, तो उसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। कुछ बच्चे बता रहे प्रकाश का ध्रुवीकरण नहीं, बच्चों प्रकाश यहाँ पर बट नहीं रहा है, प्रकाश यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी माध्यम में वापस आ रहा है, जिस माध्यम से एंटर करता है उसी माध्यम में वापस आ रहा है, हम उसके जो ध्रुवता है उसको क्या नहीं कर रहे, विभाजित नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, एक ही चार्ज के साथ दो क्षेत्रों का शुल्क किया जाता है। ये हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा करेक्शन है, देखिए यहाँ से इंग्लिश देखिए, टू स्फीयर्स आर चार्ज्ड विद द सेम चार्ज माइनस क्यू, व्हाट विल हैपन टू द चार्ज इफ द स्फीयर आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स आर डिफरेंट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो क्या कह रहा है, दो स्फीयर हैं और दोनों ही क्या है, नेगेटिव क्यू चार्ज से क्या है, चार्ज है, किससे, नेगेटिव क्यू चार्ज से, यानी दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव क्यू है, लेकिन इनको क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और इसकी रेडियस जो है वो आपकी क्या है, स्मॉल आर है। इस सिचुएशन में आपको क्या बताना है कि यहाँ पर आवेश कैसे प्रवाहित होगा, कंडक्टिंग वायर है तो आवेश का प्रवाह तो होगा, अब आवेश का प्रवाह है कि दिशा क्या होगी वो आपको क्या करनी है, यहाँ पर बतानी है। देखिए बच्चों, नेगेटिव चार्ज जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हमेशा क्या करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की ओर मूव करता है, यानी जो आपका निम्न विभव है उससे क्या होता है, उच्च विभव की ओर संचरित होता है। और अगर हम निम्न विभव और उच्च विभव की बात करें तो जो स्फीयर आपका छोटा है तो उसके लिए विभव जो है, पोटेंशियल जो है, वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये किसके ऊपर आधारित है, ये आपका होगा किस पे, लो पोटेंशियल पे, ये आपका निम्न विभव पर होगा, और ये आपका होगा किसके ऊपर, उच्च विभव के ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज आपका कहां से, इस छोटे वाले गोले से बड़े वाले गोले की ओर क्या करता है, गमन करता है। एक और चीज बच्चों ध्यान दें, जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात आती है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, उच्च विभव से कहाँ जाता है, वो निम्न विभव की ओर जाता है, और जो धनावेश होता है
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है वो सदैव हाई पोटेंशियल के ऊपर होती हैं, वो सदैव उच्च विभव पर होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस किस बेसिस पे किया जाएगा, इनकी शेप और साइज के बेसिस पे। तो ये आपकी होगी निम्न विभव पर, ये उच्च विभव पर। तो आपको पूछा गया है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज जो है किधर फ्लो करेगा, यहाँ पे देखिए ये फ्लो करेगा स्फीयर टू द लार्जर स्फीयर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच स्फीयर इज द सेम। नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम द लार्जर स्फीयर टू द, बिल्कुल नहीं, लार्जर स्फीयर से कब फ्लो नहीं करता है। यहाँ पर देखिए ये लैंग्वेज का थोड़ा सा करेक्शन है, नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम द स्मॉलर स्फीयर टू लार्जर स्फीयर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी वाले जो हैं थोड़ा सा ध्यान दें, हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा मतभेद है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन जो है बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा है। बच्चों ये समय मैं आपको देती हूँ 10 सेकेंड का, बताइए फटाफट विशिष्ट ऊष्मा है क्या और किस तरीके से इसको बांटा गया है। अभी तक एक भी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा, एग्जाम से बिल्कुल 10 दिन पहले अगर आप लोगों के यह हाल है तो फिर क्या कहा जाए। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपका क्विक आंसर आना चाहिए। 31st स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा किसके लिए उच्च होती है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा आपकी है क्या, स्पेसिफिक हीट क्या है, यानी इसके एक यूनिट मास को आपको क्या करना है, स्टेट कन्वर्ट करना है, स्टेट बदलना है, यानी इसकी जो स्थिति जो आपकी लिक्विड है सॉलिड है उसमें परिवर्तन अगर आपको करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बच्चा आंसर दे रहा है, मैम वाटर, वेरी गुड आंसर, यहाँ पर पानी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए सभी पदार्थों में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो पानी की होती है। सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए स्पेसिफिक हीट जो होती है मास की फॉर्म में आपके क्या होती है, हीट इज इक्वल टू क्या होगी, एम सी डेल टी। यहाँ पर ये जो सी है इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल क्यू अपॉन एम डॉट डेल टी। ये आपका विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला है, और जल जो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, और पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है आपकी 4.18 की रेंज की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी क्या होगा, इसका करेक्ट है आंसर होगा। अगर आप बाकियों के लिए देखना चाहो तो लोहे के लिए 0.45 समथिंग होती है, तांबा जो होता है उसके लिए आपकी 0.38 की रेंज की होती है, और पारा जो होता है उसके लिए 0.1 की रेंज की होती है, यानी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आपकी पानी की होगी। बड़े आगे की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक शून्य तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब अणु किसके हैं, यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, सिर्फ गैसीय अणुओं की, किसकी बात की जा रही है, गैसीय अणुओं की। और जो गैसीय अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके, जब उनके लिए टेम्परेचर क्या है, जीरो, अगर टेम्परेचर जीरो है तो उनके लिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उनके लिए जीरो ही होगी, उनमें कोई भी कंपन या उनमें कोई भी गति नहीं होती है, तो उनके लिए गतिज ऊर्जा क्या होती है आपकी, शून्य हो जाती है। अगर तापमान क्या है, शून्य, ताप बढ़ते ही गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। बढ़े आगे की ओर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से चाहती हूँ, फटाफट पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी आप इस स्टेज पे आके नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो आपके लिए थोड़ा सा सैड मोमेंट होगा बच्चों। इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ना कोई फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। सचिन जी कह रहे हैं मैम डी आंसर होगा। चलिए सचिन जी, देखते हैं हमारी क्लास क्या कहती है, मेजॉरिटी विंस, तो फटाफट एक बार चेकआउट करते हैं कि सचिन जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। आपको कहा गया है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड से है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या है, नियत चाल से, यानी इसके लिए स्पीड क्या है, वेग नहीं, इसके लिए क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, नियत है, यानी आपका वेग का जो परिमाण है वो भी क्या है, नियत है। अगर ये नियत है तो क्या इसकी दिशा नियत है क्या, नहीं, हम बता ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा ही नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे, ये त्वरित नहीं होगा, ये ऑप्शन पर टिक कर देंगे। नहीं बच्चों, प्लीज़ लैंग्वेज पर ध्यान दें, ये चाल की बात करें,
चाल नियत है, यहाँ पे वेग के बारे में नहीं कहा गया, तो ऑप्शन ए तो आपका कट हो गया। दूसरा कहा जा रहा है त्वरित तो हो सकता है, क्या आप बता सकते हो त्वरित हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं बता सकते। यहाँ पे कहा जा रहा है हमेशा त्वरित रहेगा, इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते कि क्या पता इसकी दिशा के बारे में तो कोई जानकारी दे ही नहीं रखी है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है साथ ही निरंतर वेग भी है, बिल्कुल जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है यहाँ पर, इसकी क्या है वेलोसिटी, इसकी क्या है, नहीं 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 बच्चों वेग इसका नियत है, बिल्कुल नहीं है, हम कह नहीं सकते। ये वर्ड देखिए हिंदी लैंग्वेज में इन्होंने थोड़ी सी छेड़छाड़ की, ये देखिए आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ से कंफ्यूज होगा, सकती है और है, ये श्योर है, ये क्या कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पक्की बात है, यहाँ पर ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बिल्कुल नहीं हो सकता। वेलोसिटी आपकी क्या हो सकती है, बदल भी सकती है, क्योंकि दिशा बदल सकती है, दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये देखो त्वरित तो हो सकती है, माइट बी क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी, अगर दिशा बदल रही है तो आपका वेग बदल सकता है, और दिशा अगर नहीं बदल रही है तो आपका वेग नहीं बदल सकता, तो ये क्या है एक संभावना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है, वेरी सैड मोमेंट बच्चों, यहाँ पर आप लोग जिस प्रोस्पेक्टिव से सोचो वो बिल्कुल सही है। अगर यही लैंग्वेज लिखी हुई रहती, वेग का परिमाप, वेग का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, वो नियत है, तो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। थोड़ा सा क्या किया गया, भाषा के साथ छेड़छाड़ यहाँ पर की गई है, तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट देखिए आपका, यदि एक वर्णीय प्रकाश को किरण एक कांच की सतह पर इसके ध्रुवीकरण कोण पर पड़ती है, तब इस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन कोण क्या होगा? देखिए बच्चों यहाँ पर बेसिकली पोलराइजेशन की बात हो रही है, और पोलराइजेशन क्या कह रहे हैं, जब भी एक सरफेस से रिफ्लेक्शन के थ्रू पोलराइजेशन होता है तो उसकी कंडीशन यही हो रही होती है कि यहाँ पे इन दोनों वेव्स के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर जो आपका एक रिलेशन वैलिड होता है, और वो रिलेशन क्या कहता है, रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज क्या होती है, इसके जो विचलन कोण है उससे 90 डिग्री के ऊपर होती है। यहाँ से देखें अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, ये आपका क्या है नॉर्मल है, अब आपका इंसिडेंट एंगल जो है वो ही क्या है इसके लिए पोलराइजेशन एंगल है, क्या है इसके लिए ध्रुवण कोण है, तो यहाँ पे रिलेशन ये कहता है आई पी प्लस आर प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, क्या होता है इसका रिलेशन आई पी और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल प्लस ये आपका जो विचलन कोण है डेल, इनका सम क्या होगा 180 होगा, और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे आप देखेंगे यहाँ से आई पी प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है जब भी सरफेस से क्या कर रहे हो आप पोलराइजेशन कर रहे हो। तो यहाँ से देखिए बच्चों इस स्थिति में आपको कहा गया प्रकाश की किरणें कांच की सतह से, किससे ये पोलराइज्ड हो रही है, कांच की सतह से, और कांच के लिए जो पोलराइजेशन एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों 57 डिग्री होता है। आप अपने नोट्स में ये मार्क कर लीजिए, कांच के लिए जो ध्रुवण कोण का मान होता है वो कितना होता है 57 डिग्री होता है। तो इस आपके जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में जैसे ही पुट करोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो निकल के आ जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस आई पी, और आई पी का वैल्यू कितना है आपका 57, और 90 माइनस 57 आपका कितना होता है 33 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा 33 डिग्री। नहीं मयंक ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 33 डिग्री होगा। बढ़े आगे की ओर, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चौक कॉइल होनी चाहिए। देखिए बच्चों चौक कॉइल होती क्या है, फटाफट इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चौक कॉइल जो होती है बेसिकली ये क्या करती है, वोल्टेज को रेगुलेट करती है, या हमने पहले भी पढ़ा है वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे हमारा जनरल डायोड भी काम करता है, तो यहाँ पे वोल्टेज को रेगुलेट करती है, और वोल्टेज को रेगुलेट करना है इसका मतलब आपको आर क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। चौक कुंडली जो होती है वो एक कॉम्बिनेशन होती है आर एल सर्किट का, किसका, एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सर्किट का एक कॉम्बिनेशन होती है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको विभव क्या करना है, उसके लिए रेगुलेट करना है, विभव को कम करना है, तो आप क्या लगा दोगे, उसके सामान का प्रतिरोध लगा दोगे,
लेकिन प्रतिरोध लगाने की वजह से वहां पे ताप के रूप में, हीट के फॉर्म में आपकी एनर्जी लॉस होगी। तो उस एनर्जी लॉस के लिए बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चौक कुंडली यूज करते हैं। और चौक कुंडली का कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसके लिए आपका आर तो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और एल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपका रेजिस्टेंस लो और इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यही चौक कुंडली के निर्माण की शर्त होती है। बड़े आगे की ओर देखिए बच्चों, सॉरी की कोई बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्लीज़ ध्यान दें, सिर्फ आपकी जो भाषा है क्वेश्चन की उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ की जा रही है, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। पानी के उबलते बिंदु से के, ये हिंदी लैंग्वेज में बहुत एरर है, देखिए, विथ राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर द लैटेंट हीट ऑफ स्टीम। देखिए बच्चों, इसको आपको ऐसे याद रखना है, गर्म पानी हाथ पे गिरेगा कम जलोगे, लेकिन भाप से हाथ निकालोगे तो ज़्यादा जलोगे, क्योंकि भाप बनने के साथ साथ आपकी लैटेंट हीट जो है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लैटेंट हीट का मान बढ़ जाता है, यानी छुपी हुई गुप्त ऊष्मा जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक वृत्ताकार चक्ती जिसका द्रव्यमान 260 ग्राम है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, चक्ती की स्पर्श अक्ष के सापेक्ष इसके व्यास के समानांतर जड़त्व आघूर्ण। फटाफट रिकॉल करते हैं, जड़त्व आघूर्ण किसकी बात कर रहे हैं, चक्ती की। मैं चक्ती और रिंग दोनों को एक साथ बनाती हूँ, ये आपकी रिंग हो गई। रिंग के लिए जब भी सेंटर से पास करेगा, फटाफट देखिए ये आपकी रिंग है, और रिंग के केंद्र से अगर आपका घूर्णन अक्ष गुजर रहा है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, एम आर स्क्वायर, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। अगर मैं कहूँ इसी के समानांतर स्पर्श रेखा पर होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसमें आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ऐड होके कितना हो जाएगा, 2mr स्क्वायर। और दूसरा जो है, अगर मैं कहूँ इसके व्यास के परितः अगर ये घूर्णन कर रही है, अगर ये इसके व्यास के परितः अगर घूर्णन कर रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसका आधा एम आर स्क्वायर बाई 2। और अगर मैं बात करूँ व्यास के परितः अगर समानांतर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐड होके 3mr स्क्वायर बाई 2। क्लियर है क्या बच्चों? अब यहाँ से देखिए फटाफट हम बात करते हैं किसकी, आपकी डिस्क की, आपकी चक्ती की। चक्ती जो होती है बिल्कुल इससे उल्टी होती है, मैंने आपको बताया है, द्रव्यमान का वितरण जितना ज़्यादा उतना ही जड़त्व आघूर्ण घटता जाता है, और द्रव्यमान का वितरण जितने कम क्षेत्रफल में उतना ही जड़त्व आघूर्ण आपका ज़्यादा होता है। तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, आधा, कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। जब कहाँ से गुजर रही है, चक्ती के केंद्र से अगर आपकी गुजर रही है, मैं कहूँ चक्ती के केंद्र से अगर आपकी गुजरती है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। और अगर मैं कहूँ इसी के समानांतर इसके स्पर्श रेखे बिंदु पर अगर कोई रेखा जाती है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 3mr स्क्वायर अपॉन 2। और अगर मैं बात करूँ इसकी किसकी, इसकी व्यास के परितः, व्यास के परितः, और आपका क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, व्यास के परितः, और व्यास के परितः क्या हो जाती है, इसकी भी आधी, यानी एम आर स्क्वायर अपॉन 4। अगर इसी के समानांतर पूछोगे तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5mr स्क्वायर अपॉन 4। तो आपका सीधा फॉर्मूला आपको मिल चुका है, फटाफट सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ से देखें, आपको फॉर्मूला जो मिलता है वो फॉर्मूला क्या होगा इसका, जड़त्व आघूर्ण का, एम आर स्क्वायर, 5mr स्क्वायर अपॉन 4। देखिए 5 इंटू एम का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 260 ग्राम, कितना दिया गया, 260। और ऑप्शन में भी देखिए ग्राम और सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आपको भी सीजीएस में निकालना है। 260 गुणा आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 20, 20 गुणा 20 बटा 4। आप यहां से सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, 5, ये आपका हो जाएगा 25 इंटू, ये हो जाएगा आपका 25 5 5 25 25 2 100 100, और ये हो जाएगा आपका डन, 25 2 50, और यहाँ से 0 आपका कितना हो गया, 500 इंटू अगला वैल्यू जो दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, 260। यहाँ से देखिए जैसे ही सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से देखिए 100,000, और जैसे ही 26 इंटू 5 करेंगे इसका सोल्यूशन जो आएगा आपका कितना आएगा, 330। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल, यहाँ पे देखिए 130 गुणा 1000 है, यानी आपका क्या हो जाएगा, 13 इंटू 10 टू पावर 4 ग्राम
पर ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे की ओर। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, जो हमारी क्लासेज हुई थी उसमें बिल्कुल हमने इसकी ट्रिक्स भी सीखी थी। यदि एक पेंडुलम की लंबाई चौगुनी हो जाए तो इसकी समय अवधि होगी। फटाफट बात करते हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो यहाँ पे सीधा हमें क्या यूज करना है? टी प्रोपोर्शनल होता है रूट एल के। लंबाई को क्या कर दिया गया है? 4 गुना। तो यहाँ से लंबाई अगर 4 गुनी होगी तो रूट 4L, और आपका जो ओरिजिनल जो है उससे कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना। यानी आपका समय जो है वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चे कह रहे हैं डी आंसर। नहीं बच्चों, डी आंसर नहीं होगा इसका, सी आंसर होगा। यहाँ पे लेंथ बढ़ने के साथ में टाइम पीरियड आपका क्या होता है? दुगुना होता है। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समय को मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी नहीं है? अधिवर्ष, प्रकाश वर्ष, उष्मकटिबंधीय वर्ष और सेंड्रियल वर्ष। देखिए बाकी चीज़ें अगर आपको नहीं भी पता है तो हमें क्या पता है? प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर जो होता है वो किस रेंज का होता है? 10 की घात किसका होता है? 15 की रेंज का होता है। और ये यूज किया जाता है किसके लिए? दूरी के लिए। जो दूरी के लिए है तो ये किसके लिए तो नहीं होगा? समय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी पूछने जैसा नहीं था इसमें, सीधा लैंग्वेज दे रखी है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, यू टी इज माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। जहाँ पे एस डिस्टेंस है आपका, यू इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, ए एक्सेलरेशन दे रखा है। आपको ये बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बच्चों, चेक करने का तरीका जो होता है वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा है। तो सीधा क्वेश्चन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये क्या है? डायमेंशनली करेक्ट होती है। अगर आपको चेक करना है तो इसका डायमेंशनल एल टू पावर 1 होगा। यहाँ से देखिए, एल टू पावर 1 और टी टू पावर माइनस 1, और टी टू पावर 1 मल्टीप्लाई होके ये दोनों कैंसिल आउट के एल टू पावर 1 रह गया। थर्ड टर्म जो है वहाँ पे, जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला का, वो क्या कहता है? जो राशियाँ डायमेंशनली इक्वल होती हैं वही घटती और जुड़ती हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन का एल टू पावर 1 टी टू पावर माइनस 2, और यहाँ पे टाइम का पावर 2। यहाँ से सॉल्व आउट करोगे ये कैंसिल हो गया, यानी डायमेंशनली तो ये क्या है? करेक्ट है। लेकिन फॉर्मूला में 1/3 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आता है? फॉर्मूला में 1/2, और यहाँ पर क्या दे रखा है? 1/3। तो ये क्या है? आयाम से तो सही है, डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन ये संख्यात्मक रूप से गलत है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपका क्या होगा? केवल ये क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा, डायमेंशनल रूप से ये क्या होगा? सही होगा। बढ़े आगे की ओर। देखिए यहाँ पे दे रखा है, 2 द्रव्यमान दे रखे हैं m1 और m2, और दोनों को एक 2 पार्टिकल सिस्टम अरेंजमेंट में रखा गया है। और ये मान लेते हैं कि कण एक को क्या कर दिया है? द्रव्यमान केंद्र से d दूरी से उसकी ओर विस्थापित कर दिया गया है। तो आप m2 को कितना विस्थापित करोगे ताकि आपका द्रव्यमान केंद्र अभी भी उसी स्थिति पर बना रही है? देखिए बच्चों, इस अरेंजमेंट को हम फॉर्म करते हैं, ये आपका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो बिंदु जहाँ पर द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है, या फिर मैं कहूँ वो बिंदु जहाँ पर उस सिस्टम का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। मैंने मान लिया ये m1 है और ये आपका क्या है? m2 है। ठीक है, ये इससे क्या है? r2 डिस्टेंस पे, और ये इससे क्या है? r1 डिस्टेंस पे। जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? m1 r1 इज इक्वल टू क्या होता है? m2 r2 होता है। क्लियर है बच्चों? अब इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, यानी ये कितना रह गया? r1 माइनस d रह गया। कितना रह गया? r1 माइनस d रह गया। तो आप इसको भी क्या करोगे? थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे। किसको? m2 को। तो हम डिस्प्लेस कर देते हैं इसको, r2 प्लस मानो x डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो उस स्थिति में भी क्या रहेगा आपका? m1 R1 माइनस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 r2 प्लस x। यहाँ से देखिए अरेंजमेंट को आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका m1 r1 माइनस m1 d इज इक्वल टू m2 r2 प्लस m2 x। क्या यहाँ पे m2 r2 की जगह मैं m1 r1 रख दूँ क्या? यहाँ पर मैं m1 r1 रख सकती हूँ ना, फर्स्ट फॉर्मूला से रख सकती हूँ। जैसे ही m1 r1 रखूंगी ये दोनों कैंसिल आउट, आपका सिंपली फॉर्मूला जो बचता है वो क्या बचता है? x इज इक्वल टू m1 d अपॉन m2। यहाँ पे माइनस साइन जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि एक को अगर उस तरफ विस्थापित करो तो दूसरा भी उसी दिशा में जा रहा है। यहाँ से देखिए x का वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करेंगे द्रव्यमान, अच्छा आपको फॉर्मूले में बताना है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m2 डिवाइडेड बाई इंटू 2।
आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, ये लेकिन नोटेशन में सही नहीं लिख रखा है, इसका होगा एम वन अपॉन एम टू इन टू डी, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, तो डी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट देखिए बच्चों, पानी हवा की सीमा में क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए बच्चों, क्रांतिक कोण निकालने का तरीका बताती हूँ, हालांकि पानी और हवा की सीमा के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है, वो होता है आपको 48 पॉइंट समथिंग, लेकिन यहाँ पे 48 कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आप चूज करोगे क्या 50.26। क्रांतिक कोण क्या होते हैं, जब भी कोई सघन माध्यम से, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण आती है, तो वो एक ऐसे कोण पर आंतरित होती है, यानी क्रिटिकल एंगल पर अगर आंतरित होगी, तो उसके लिए परावर्तन जो कोण होगा, अपवर्तन कोण जो होगा, वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। और स्नेल के रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं म्यू टू वन, तो क्या हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ पे साइन आई क्या है क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ से म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई सी डिवाइडेड बाई साइन आर, और आर क्या है यहाँ पर आपका 90 डिग्री, आर आपका कितना है 90 डिग्री, तो उसका वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको सॉल्व आउट करोगे, साइन आई जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा म्यू टू, म्यू टू किसके लिए निकालना है आपको दूसरे माध्यम के लिए, और दूसरा माध्यम क्या दे रखा है यहाँ पर हवा, दूसरा माध्यम क्या दे रखा है हवा, तो हवा के लिए कितना है 1, और ऊपर वाला आपका जो माध्यम है वो क्या है पानी, और पानी के लिए इसका वैल्यू जो होता है म्यू का वो 1.33 होता है, हालांकि हवा के लिए भी 1.003 होते हैं, लेकिन इसको एस्टिमेटली हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, और इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो 0.76 समथिंग आएगा, और जब भी आप आईसी निकालोगे तो आप करोगे साइन इनवर्स 0.76, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 48 पॉइंट समथिंग, लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या होता है यहाँ पे 50.26, क्योंकि उसके नियर बाई आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यहाँ पर आपका जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। लेंज का नियम क्या कहता है, जब भी आप क्या करते हो विद्युत फ्लक्ष में परिवर्तन करते हो, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रेरण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और वो क्या करती है अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है, और जब वो उसका विरोध करेगी तो उस विरोध के लिए हमें उसके विपरीत क्या करना पड़ेगा कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य है वो विपरीत दिशा में हो रहा है, और वो कार्य किसके ऊपर आधारित है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा लेंज का नियम हो जाएगा। बाकी अगर बात करें फैराडे नियम, आप क्या कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एम्पियर का लॉ जो होता है वो होता है बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, या फिर लास्ट बायो सावर्ट जो लॉ है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट आपका 44 जो है वो कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड के पक्ष अभिनति के बारे में, यानी ये कह रहा है इसकी रिवर्स बायसिंग। देखो बच्चों, रिवर्स बायसिंग जब भी करते हैं, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा आपका जो डिप्लेशन लेयर है, इस तरीके से आपका पीएन जंक्शन डायोड बना रहता है, और रिवर्स में हम क्या कर देंगे इसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, इसको पी को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, और यहाँ पर ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं होल, और इनमें क्या होगा एट्रैक्शन, एट्रैक्शन की वजह से ये जो डिप्लेशन ले रहा है अवक्ष प्रत है उसका साइज जो है वो क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है, उसका माप जो है वो बढ़ जाता है, तो अवक्ष प्रत की चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी। बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट देखिए आपका 45 कहता है एक कृष्णिका प्रति यूनिट विकिरण ऊर्जा का समय ब्लैंक के समानुपाती होता है। ये जो है आपका स्टीफन्स रूल है, स्टीफन का जो नियम है वो क्या कहता है एनर्जी जो है आपकी किसकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो प्रोपोर्शनल होती है T^4 के, यानी इसका फॉर्मूला होता है E=σT^4, जहाँ पे सिग्मा आपका स्टीफन कांस्टेंट है, तो आपको सिर्फ इसका रिलेशन बताना है, ये ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, पूर्ण तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती स्टीफन लॉ। नेक्स्ट देखिए आपका प्रकाश की प्रकृति के लिए आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में सबसे पहले कौन आया था आपका तरंग, उसके बाद कण, उसके बाद में जो अभी आधुनिक प्रकृति है आधुनिक जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं इसका द्वैत नेचर होता है तरंग और कणीय सिद्धांत, तो यहाँ से ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट देखिए, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, फटाफट देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से रूपांतरण होते हैं। अगर मैं डायनामो की बात करूँ तो डायनामो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। बैटरी की अगर बात करूँ तो इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और वो कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। विद्युत हीटर की बात करूँ तो ये क्या करता है आपका, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर या लाइट एनर्जी के अंदर। और परमाणु बम जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो आपको पूछा गया है क्या, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम आपका बैटरी सेल करते हैं। बड़े आगे की ओर बच्चे कह रहे हैं 47 का सी, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, मयंक सही जवाब है आपका। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रक्रिया में एक प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। देखिए बच्चों फटाफट इसका क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। क्या कहता है, रुद्रोष्म में एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर बाहर से कोई ऊर्जा या ऊष्मा या हीट नहीं जा रही है, यानी बाहर से इसके लिए हीट जीरो है, हीट जीरो है। तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल ई, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन के नेगेटिव के बराबर होती है। डन। समतापीय की अगर बात करें यानी इसमें तापमान क्या रहता है, शून्य रहता है, तापमान नहीं बदलता है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप का क्या होती है, फलन होती है। तो अगर तापमान शून्य कर दिया गया है, ताप परिवर्तन शून्य कर दिया गया है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा, बिल्कुल गलत जवाब मयंक, यहाँ पे ऑप्शन ए सही नहीं है। आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर है ना बच्चों, आपको किसके बारे में पूछा गया है, इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा गया है, और इंटरनल एनर्जी सिर्फ समतापीय प्रक्रिया में क्या होती है, शून्य होती है। अगर मैं बात करूँ समभारिक की तो ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये परमाणु के लिए बताया गया है। समभारिक यानी जिनके जो भार जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सा उपकरण क्या करता है। एनेमोग्राम जो होता है वो आपका वाटर जो होता है उसके प्रेशर और उसके एटमॉस्फेयर में इसकी जो अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमिडिटी के लिए। और जो थर्मामीटर है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। और पायरेलोमीटर जो होता है वो सन रेडिएशन, इरेडिएशन जो होती है सन के, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर मैं इन जनरल कहूँ, ये वास्तविकता में मौसम विज्ञान में मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, हाइग्रोमीटर जो होता है वो क्या बताता है आपका, आर्द्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल की इकाई क्या है। मैक्सवेल बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, चुंबकीय प्रवाह को, मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो होती है आपकी क्या, वेबर। क्या होती है, वेबर। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो सीजीएस यूनिट होती है आपकी क्या, मैक्सवेल। क्या होती है, मैक्सवेल। मैक्सवेल का ही दूसरा नाम है एबी वेबर। क्या नाम है, एबी वेबर। तो यहाँ पे मैक्सवेल जो है वो क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट सिस्टम है। आज की क्लास के लिए इतना ही।